आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं। खास इस वजह से हैं कि वो एक साथ कई सारी चीजें करती हैं और सब में माहिर हैं। वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, डांस में भी माशाल्लाह उनका जवाब नहीं है, ताइक्वांडो आर्टिस्ट रह चुकी हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने नेशनल, उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है और अभी आप उन्हें हम सब के अजीज शो रंगोली में देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नीतू चंद्रा की। हाय नीतू, कैसी हैं आप? वेलकम टू मिड डे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। तो बताएं कैसे, मतलब रंगोली हम सबका बहुत ही प्यारा शो रहा है, हम सबका फेवरेट शो रहा है, हमारी कई यादें जुड़ी हैं। आपका जुड़ना कैसे हुआ इस शो से? वेल, बचपन से रंगोली देखते हुए बड़ी होती हुई हूँ और जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ। दादा दादी का फेवरेट शो था रंगोली हमेशा से, और काफी दिनों से रंगोली की बात चल रही थी तो मैंने सोचा कि कम से कम यादें ताज़ा हो जाएंगी। जब हम स्कूल में थे तो बचपन से ही रंगोली देखते रहे और पूरी जॉइंट फैमिली के साथ सारे भाई बहन सब, तो ये मौका मिला था मुझे वापस से जुड़ने का रूट से। और दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जो हिंदुस्तान में कोने कोने पर है और मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सबसे जुड़ने का, और इसलिए मुझे बहुत खुशी है और मेरी खुशनसीब भी है कि मैं रंगोली होस्ट कर रही हूँ। ओके, रंगोली जब हम जब भी हम लोग देखते थे बचपन में भी, हमारा संडे का मतलब रंगोली ही होता था। आपके मतलब अपनी कुछ यादें जुड़ी हैं उससे खास, कि जो जो आपको अभी भी आपके मेमोरी में है, और कुछ गाने जो याद हों आपको? गाने तो बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है यस्टरडेज के गाने काफी ज्यादा रंगोली पे दिखाए जाते थे और अभी भी दिखाए जाते हैं। जो अब मैं होस्ट कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कितने इनसाइट, जो बातें बहुत नॉर्मल सबको पता नहीं होती हैं, वो रंगोली के थ्रू हमें पता चलती है। लेकिन दादा दादी हमें रंगोली टीवी खुलता था घर में और दादा दादी बोलते चलो चलो रंगोली शुरू हो गई, चलो सब बच्चा लोग आ जाओ, हम लोग रंगोली देखेंगे। और दैट्स हाउ हर संडे शुरू होता है, सुबह 8 बजे का वक्त हमेशा से रहा है, तो हमारा संडे रंगोली से ही शुरू होता था और पूरी फैमिली, दादा दादी, तीन चाचा चाचियाँ, उनके बच्चे, हम, पापा मम्मी, दोनों भाई मेरे, हम सब एक साथ बैठकर, और उसी में खाने के लिए भी आ रहा है, चाय भी बन रही है, नाश्ता भी हो रहा है, सो सबको एक घंटे का शो होता था, सब लोग को खाने भी मिल रहा है, कुछ सब कुछ 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 मंच कर रहे हैं और दैट्स हाउ वी स्टार्टेड रंगोली। हाँ, रंगोली में हेमा मालिनी जी, शर्मिला जी, इन लोगों ने इसको एंकर किया है, तो आपको लगता है ये बहुत ही प्राउड वाली बात है कि आप अभी इसे आगे बढ़ा रही हैं? जी, अनुप्रिया, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे लगता है कि मेरी खुशनसीबी है कि इतने सीनियर एक्टर्स के बाद मुझे ये मौका मिला ये करने का, और जिस तरह से मैं कनेक्ट करती हूँ रंगोली से, और उसमें शैलेश श्रीवास्तव जी हैं जो बहुत ही खूबसूरती से उसे डायरेक्ट करती हैं, और रीना पाठक हैं जो लिखती हैं, तो जिस तरह से उनका थॉट प्रोसेस है, जिस तरह से वो पूरी जनता से कनेक्ट करती है, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं रंगोली यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, उसके ईमेल्स किस तरह, हमने सुना कि स्पेशली जेल से बहुत सारे आते हैं क्योंकि उनके पास और कोई माध्यम भी होता है, तो रंगोली उनका बहुत फेवरेट शो है, तो उनके तरफ से किस तरह के मेल्स, लेटर्स आपको आते हैं? बहुत ही टचिंग मेल्स आते हैं, खासकर ऐसे मेल्स आते हैं जो मैंने जनरली कभी नॉर्मली नहीं पढ़े हैं लोगों के, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान के कोने कोने से जुड़ने का मौका जो मिलता है, और वो जब तुम्हें इतना प्यार दिखाते हैं और इतना कहते हैं कि आप प्लीज ये गाना दिखा दीजिए, जेल से आप सही करिए, बहुत सारे लेटर्स, मेल्स आते हैं वहाँ से कि हम संडे को इस वक्त आपको देखेंगे और आपके जरिए से हम ये गाना सुनेंगे, तो और हम यहाँ जेल में ग्रुप ऑफ पीपल हम डांस करेंगे, तो ये लाइक यू नो बहुत ही अचरज की भी बात है और बहुत खुशी की बात है कि हम किसी को इतना खुश कर पा रहे हैं, खासकर उन लोगों को जो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रहे। नीतू, आप रंगोली के अलावा बहुत सारी चीजें हम सुनते रहते हैं, आप स्पेशली थिएटर, आपके बहुत सारे जो उमराव जान जो है शो आपका काफी पसंद किया जाता रहा है, कई उसके शो लगातार हो रहे हैं, थिएटर भी कर रही हैं, स्पोर्ट्स में भी आप कई जगह ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो कैसे मतलब मैनेज कैसे कर रहे हैं, इतने कम काम, मतलब चूज करके काम करना पसंद है? मुझे लगता है कि क्वालिटी मैटर करती है हमेशा, और अगर आप क्वालिटी की चीज़ें कर रहे हैं तो ही आप नोटिस होते हैं, और मुझे, मैं स्कूल से ही टाइकवांडो करती हूँ, ब्लैक बेल्ट 4th डैन हूँ, इंडिया रिप्रेजेंट किया है 3 बार,
थिएटर इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं एक्टर हूँ, मेरी जुबान हिंदी मेरा ग्राउंड वर्क बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए, और दैट इज वाई मैं स्टेज पर जब 2 घंटे लाइव रहती हूँ और 17 साल से लेकर 80 साल की लड़की का रोल प्ले करती हूँ, रेखा भारद्वाज का म्यूजिक है, एक अलग ही रुतबा रहता है, एक अलग ही गुरु रहता है एज एन एक्टर की तुम्हें ये मौका मिला है, और खासकर जब तुम उमराव जान जैसा रोल कर रहे हो तो यू नो मुझे बहुत खुशी है इस, तो ये सब जब चीज़ें करती रही और लास्ट ईयर नेशनल अवार्ड मिला एज ए प्रोड्यूसर भी, तो मुझे लगता है कि यू नो मैं मुझे उन फिल्मों को चूज करना चाहिए जो जो पीपल लुक अप टू इट, यू नो मैं वैसी सारी चीज़ें करना चाहती हूँ जो जनरली फीमेल एक्टर्स चूज नहीं करती हैं, और वैसे ही शायद मैं बड़ी भी हुई हूँ मार्शल आर्ट्स करते हुए, कथक करते हुए, थिएटर करते हुए, तो ये एक मौके की भी बात है और सारा श्रेय मेरी माँ को जाता है कि उन्होंने मुझे एक अलग तरीके से सोचना सिखाया, बताया और हमेशा कहा कि वही करो जो तुम्हारा दिल करता है, और मैं तो आई एम अ फीलिंग ड्रिवन दिल की पर्सन, मैं चूज करती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और उन्हीं से कनेक्ट करती हूँ, और इसीलिए क्वालिटी और क्लास हमेशा एक यू नो चूज किए हुए होती है, बहुत मास नहीं होता, क्वांटिटी नहीं होती, एंड आई लाइक इट, आई अप्रिशिएट, थैंक गॉड कि ऊपर वाले की दया है कि ये मुझे मौका मिला। हम बहुत कम ऐसा होता है कि जनरली देखते हैं हम एक्ट्रेसेस को कि उनकी इन दिलचस्पी म्यूजिक में होती है, डांस में होती है, स्पोर्ट्स भी कर रहे हो आप, मार्शल आर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो कभी अभी आप खुद प्रोड्यूसर भी हैं तो कभी चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स पे कोई फिल्म बनाएं, बहुत सारी बायोपिक फिल्में भी बन रही हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे फिल्में बन रहे हैं, तो आपकी चाहत है कि स्पोर्ट्स पे कोई फिल्म बने? देखिए बहुत सारे एक्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स की फिल्में कर रहे हैं चुप, और फिर भी वो स्पोर्ट्स में नहीं है, बचपन से उन्होंने नहीं खेला है, लेकिन उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो बायोपिक ऐसे लोग पे बन रही है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर ये मौका मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लेकिन मुझे भी ज़रूर ये मौका मिलना चाहिए कि मैं स्पोर्ट्स की फिल्म करूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स गली रही हूँ बचपन से, 3-4 साल की उम्र से मैं सिर्फ खेलती रही हूँ, आज मैं NBA को प्रमोट करती हूँ, बास्केटबॉल से एसोसिएटेड हूँ, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मुझे एक स्पोर्ट्स फिल्म करने का मौका मिले, और बाहर के प्रोडक्शन में, लेकिन हम अपने प्रोडक्शन में एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है लड़ाकू, और एक मार्शल आर्ट्स फिल्म है, और आपको मैं बता दूँ कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग फिल्म होगी, अभी तक कोई भी मार्शल आर्ट्स की फिल्म नहीं बनी, बायोपिक है, बायोपिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब फिक्शन का बायोपिक है, और इसके अलावा आपको बाद बताया जाएगा, लेकिन एक ऐसी फिल्म होगी जो जो इंस्पायर करेगी खासकर हिंदुस्तान और ग्लोबली सारी लड़कियां और पेरेंट्स खासकर अपने बच्चों को, लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाना चाहेंगी, क्योंकि मार्शल आर्ट्स इज नॉट ओनली अबाउट फाइट, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस जो एक लड़की को होना चाहिए अपने आप को इस दुनिया में प्रेजेंट करने के लिए, ये सब मुझे मार्शल आर्ट से मिलता है, टाइगोंडो से मिलता है, और लड़ाकू डेफिनेटली आई कैन प्रॉमिस कि आप लोग सबको बहुत पसंद आएगा। चलिए तो आप कई बार हम देखते हैं आप काफ़ी अपने बातों में भी बोल रही हैं, हमेशा स्टेप लेती हैं, निकल के अपनी बात भी रखती हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक्ट्रेसेस को उनको उनके कपड़े अभी हाल में देखे आप दीपिका को, प्रियंका को, इस तरह की बात तो जज कर लिया जाता है कि अगर इन्होंने ऐसे कपड़े पहने ऐसे माहौल में बैठी हैं तो मतलब कुछ अलग ही बात है, ट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है, आपकी इस बारे में क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से ट्रोल होती है सोशल मीडिया पर? देखिए बात ऐसी है कि जब तुम फिटनेस में रहते हो, जो मेरी जिंदगी में फिटनेस ही लाइफ है, पहले फिटनेस फिर उसके ऊपर आप सजा सकते हैं अपना करियर, अपना जब आप फिट ही नहीं है तो आप शायद अपना करियर, अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल जिंदगी या कुछ भी सजा नहीं सकते, तो मेरे हिसाब से है कि अगर वो लोग को कपड़ा कुछ भी पहनने का हक है, अगर वो फिट हैं और वो कुछ भी कैरी कर सकते हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है पहनने की, और मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई लीस्ट ऑफ द क्लोथ्स भी पहनना चाहे और उसको बहुत ब्यूटीफुली कैरी करती है तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, जैसे मैंने खुद गरम मसाला में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना था, और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स गर्ल थी तो मैं बहुत उसको एलिगेंटली, थैंकफुली मुझे जनता से ही ये आया था कि बहुत सुंदर से आप कैरी कर रही हैं उसको, एंड बहुत क्लासी लग रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं स्पोर्ट्स गर्ल हूँ, उसमें कुछ बुराई नहीं है, और सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर दीपिका प्रियंका कुछ ऐसे कपड़े पहन रही हैं जो सोसाइटी की नज़र में नहीं पहनना चाहिए, हम बड़े आई एम सॉरी बट आई हैव टू से हम बहुत हिपोक्रेट जैसे सामने करते हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं और हम एस्पायर करते हैं हॉलीवुड फिल्में करने की, फिर आप जाके कहेंगे हॉलीवुड में कि देखिए साड़ी पहन के ही
फिल्में करेंगे और अपनी ऐसा ही किरदार बनाएं जिसमें आपको साड़ी पहनना हो, ये पॉसिबल नहीं है. हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्पिरेशंस तो रखते हैं लेकिन चाहते हैं ऑर्डिनरी थॉट्स, ये मुश्किल होता है. तो आपको लगता है एक्ट्रेसेस को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है कई बार? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खासकर मैं अपने आर में कहूँगी कि मैं बहुत ही अनप्रोटेक्टेड जोन में हूँ एज एन एक्ट्रेस. आप मुझे कुछ भी आप लिख दीजिए, मैक्सिमम मेरी टीम उसे ब्लॉक कर देगी या डिलीट कर देगी या यू नो ब्लैकलिस्ट कर देगी. लेकिन जिसको जो मन करता है वो लिखता है. और मुझे एक तरह से ऐसा भी लगता है ये डेमोक्रेटिक कंट्री, आप लिख लीजिए जो आपको लिखना है. लेकिन मतलब आई रियली फील वेरी एम्बेरस्ड एंड बहुत कहीं ना कहीं शर्म की बात है कि ये सोच के कि उनकी सोच क्या होगी कि वो ऐसा लिख भी पाते हैं. तो इससे उनका एजुकेशन, जिस तरह से वो बड़े हुए हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसकी इसका पता चलता है. ओके, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हम सुन रहे थे कि आप बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं, तो कुछ बताएं. एक एजेंसी के साथ साइन अप किया है वहाँ पर. अच्छी बात यह है कि एलए में जो एजेंसीज हैं उनको मेरा मार्शल आर्ट्स और मेरा थिएटर दोनों काफ़ी लीथल कॉम्बिनेशन लगते हैं. मुझे लगता है कि बहुत कम लड़कियां हैं और ये बहुत ही एनकरेजिंग बात है क्योंकि जिस तरह से एक्सेप्टेंस ग्लोबली आज इंडियन एक्टर्स की है, उस तरह से अगर वहाँ एलए में जाकर कोई आपसे ये कहे कि यू आर अ लीथल कॉम्बिनेशन बिटवीन थिएटर एंड मार्शल आर्ट्स, आई थिंक दैट इज फैबुलस. दैट्स अ ग्रेट एनकरेजमेंट टुवर्ड्स व्हाट यू लुकिंग फॉर, व्हाट यू एस्पायरिंग टू बी. तो मुझे बहुत खुशी है कि वहाँ पे मुझे एक्शन फिल्मों के लिए मतलब आई एम पुटिंग माई फुट फॉरवर्ड कि एक्शन फिल्म करें और होपफुली आप लोग सबका साथ रहे और बड़ों का आशीर्वाद रहे तो आई एम श्योर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. एंड आई एम वेरी अच्छा, हमने आपके बारे में कहीं पढ़ा था, आपने बहुत कम उम्र में जैकी चैन से मुलाकात हुई थी, उन्होंने सराहा था आपको. हाँ. क्या था वो? तो मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया था हांगकांग चाइना में, जहाँ पे जैकी चैन वॉज अ चीफ गेस्ट एंड आई वॉज अप्रिशिएटेड फॉर माई वेरी गुड परफॉर्मेंस एट दिस लेवल एंड अवार्डेड. सो that was the thing and that's how my connection was with him. But अभी भी मैं practice करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने rhythm तोड़ा नहीं है. जो मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ को पाने के लिए एक ही word है जिसको follow करना पड़ता है, that is consistency. कुछ भी आप gym कर लीजिए, आप relationship रख लीजिए, आप career बना लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे पूजा ही कर लीजिए, consistency होती है तो सब कुछ अच्छा होता है. अच्छा, नहीं तो आपने फिटनेस की बात की, आपको आपके अब आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है तो अभी डर लग रहा है. तो अपनी फिटनेस के कुछ टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को. फिटनेस, देखिए फिटनेस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी. आप लोग सब जो मुझे देख रहे हैं यहाँ पे या मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, फिटनेस नहीं तो कुछ नहीं, ये आप जान जाइए. क्योंकि मैं ये बात मानती हूँ कि अगर बॉडी का एक भी पार्ट, एक भी पुर्जा नहीं चल रहा है तो आप सिर्फ बिस्तर पे ही रह सकते हैं, आपके सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे और बहुत सारे चीज़ें जो आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएंगे अगर आप फिटनेस पे ध्यान नहीं रख रहे हैं. फिटनेस इज लाइफ एंड आई एम श्योर आपकी बॉडी एक घंटा फिटनेस पे ध्यान दे सकती है और आप डिजर्व करते हैं कि अपनी बॉडी को निखारिए, सुधारिए, सुंदर बनाइए, जिम करिए, योगा करिए, डांस करिए, साइकिलिंग कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन एक घंटा आपको देना ही चाहिए अपने बॉडी को. दूरदर्शन की बात हुई है तो उस दौर की कुछ ऐसी यादें जो आपके फेवरेट शो, हम लोग बहुत देखते थे. हाँ. बहुत सारे ऐसे शो थे, कुछ ऐसे शो जो आपकी याद. हाँ. और आपको अगर रिविजिट करने का मौका मिला तो कौन सा होगा वो कैरेक्टर जो आप निभाना चाहेंगे? मुझे याद है कि हम लोग स्टार ट्रैक देखते थे. स्टार ट्रैक क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी और मार्शल आर्ट्स करी थी बचपन से, तो मुझे स्टार ट्रैक और ये बहुत पसंद था. ऑफकोर्स रंगोली, चित्रहार, जो दूरदर्शन की चीज़ें हैं वो उसमें दो तीन ही चीज़ें थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी. विक्रम बेताल बहुत फेमस था. आई रिमेम्बर विक्रम बेताल एंड स्पाइडर मैन आता था. सो लाइक बचपन से स्पाइडर मैन करते हुए बड़े हुए. तो आई थिंक किरदार तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि कौन सा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बेताल मिल जाए तो अच्छा रहेगा. अच्छा, स्पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी थी, फिर एक्टिंग की तरफ क्यों, स्पोर्ट्स में ही आगे परस्यू क्यों नहीं किया? मैं स्कूल में भी वन एक्ट प्ले करती थी, नॉट दैट मुझे कोई नेम भी कभी नहीं मिला वन एक्ट में. लेकिन थिएटर इज काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज इंडिया में, और खासकर कोई लड़की एक ऐसा गेम खेल रही है जिसका नाम टाइकोंडो या बास्केटबॉल, बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट या फैसिलिटीज़ नहीं होती. और ये एक ऐसा मुद्दा है जो
डिबेटेबल है बिकॉज कुछ गेम्स हैं जैसे क्रिकेट है उस पर बहुत तवज्जो दी जाती है, बहुत सारे और गेम्स हैं थैंकफुली सानिया मिर्जा और कुछ ऐसे प्लेयर्स के कारण लॉन टेनिस पे इम्पोर्टेंस मिल रहा है, लेकिन एक लड़की के लिए मार्शल आर्ट्स करना उसमें कोई करियर बना लेना और फिर टॉप पे पहुंच जाना वॉज ऑलमोस्ट यू नो वेरी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और मुझे लगा कि मैं ऐसा चीज़ कुछ करूँ जिसके जरिए एक दिन मैं मार्शल आर्ट्स ही करके और इनकरेज करूँ लोगों को। तो मैं 12th में थी तब से मुझे ऑफर आने शुरू हुए थे काम मॉडलिंग के, और जैसे सब लोगों ने अपनी लाइफ में फाइट किया होगा मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, मैंने भी वैसे ही फाइट किया है, ऑडिशंस के लिए जाती रही हूँ मेकअप के तौर कपड़े लेकर बस ट्रेन और डोर बस ऐसे जाती रही हूँ और अपना ऑडिशन देती रही एड्स करती रही। और एड्स में करते 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 मैं एक बार प्रियदर्शन सर के साथ पार्कोर पेन का ऐड करी थी अमिताभ बच्चन के साथ एंड दे टोल्ड मी प्रियदर्शन सर ऑफर मी गर्म मसाला दैट्स हाउ माय करियर स्टार्टेड। लेकिन मेरा हमेशा से मानना था कि स्पोर्ट्स के जरिए मैं बहुत चीज़ें करना चाहती थी जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इंडिया में, बहुत मुश्किल है स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ से। अभी तो फिर भी ठीक है, मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, 15 साल पहले जब मैं स्कूल में थी और मुझे लगता था कि मैं ये कर डालूँगी और वो कर डालूँगी, तो अब मैंने रास्ता बदल दिया, मैं एक्टिंग करना, और ये किस्मत की बात है कि मैं एक्टिंग में आ गई और अच्छी बात है क्योंकि इस जरिए से कम अब मैं मार्शल आर्ट्स को पर्दे पे ला सकूंगी। और जो मेरा सपना था बचपन से कि मैं बहुत सारी लड़कियों के एनकरेज करूंगी कि आप मार्शल आर्ट सीखिए और सेल्फ डिफेंस के, वो अब मैं फिल्म के जरिए कर पाऊंगी। कभी एकेडमी या इस तरह की कुछ शुरुआत करना चाहती हूँ, आप काफी प्रमोट कर रही हैं इन चीजों को कि लड़कियों को जानना। मैं ये सिर्फ जरूर कहना चाहूंगी किसी दिन मैं अक्षय सर के साथ मिलकर कुछ जरूर करना चाहूंगी क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ह्यूज है, सुपरस्टार है, और उनको उनके साथ मिलके मैं कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहूँगी कि वो इतने अच्छे इंसान भी हैं कि और सोशल कॉज की तरफ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो एक इंस्टीट्यूट ज़रूर खोलना चाहूँगी और अगर ना खोल पाई तो उनके इंस्टीट्यूट में हाथ ज़रूर बटाना चाहूँगी कि क्योंकि ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई थिंक वी डिज़र्व टू लीड इंडिया इन दिस वे। हमने सुना आप गाने में भी बहुत दिलचस्पी है, एंकरिंग करते हुए भी कई बार आपने बैक स्टेज हमें पता चला है, कभी कभी आप गुनगुनाती हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा गुनगुनाएंगी? मैं क्योंकि रंगोली की बात हो रही है, अंडे आई टू टेल यू कि उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, अगर मेरी आवाज सुन ली तो नहीं ठीक है, आप दो लाइन तो जरूर गुनगुनाएं क्योंकि रंगोली की बात है अधूरी रह जाएगी। ये तो इससे बड़ा एग्जाम नहीं हो सकता। मुझे माय गॉड ये तो बहुत टफ है, क्या गाऊं मैं, मतलब मैं सोचिए कौन सा थोड़ा सा भी अच्छा गा सकती हूँ वो गाऊं मैं। आप ही सजेस्ट कर दीजिए कुछ पुराने गाने। लगी जागले के फिर हसी रात को शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लगी जागले ओके अब हम चाहेंगे कि हमारे कुछ व्यूअर्स आपसे पूछना चाह रहे होंगे सवाल, तो हम चाहेंगे कि आप उनसे डायरेक्टली बात करें। आइए आइए पूछते हैं। ओके हाय अजीज, हाय हाय White Wonder, क्योंकि कुछ देर में शायद वो हमें ज्वाइन करें, हम कुछ और बात करते हैं। देखते आप कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी कर रही हो उसके बारे में बताएं। तो लड़ाकू प्रोड्यूस करूँगी और दो तीन फिल्में और हैं क्योंकि हम रूट्स की बहुत सारे काम करते रहते हैं, हमारा प्रोडक्शन हाउस है चंपारण टॉकीज, नितिन चंद्रा इज अ ब्रदर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, इज अ नेशनल अवार्ड डायरेक्टर और
वो सीड होते हैं और लिखते हैं और उसे खड़ा करते हैं और हम बगल में खड़े हो जाते हैं एज पिलर. बट आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम लोग ऐसे रूट्स की फिल्में करें. तो पहली फिल्म हमने देसवा की थी जो 2016 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, इट्स ऑल्सो द फर्स्ट फिल्म इन 54 ईयर्स टू बी सिलेक्टेड एट इंडियन पैनोरमा इफी गोवा. तो वो भी हुआ था. उसके बाद अब हम लोग ने मिथिला मखान बनाई जिसे नेशनल अवार्ड मिला. प्लस अब लाखों बना रहे हैं. तो बहुत सारे प्रोडक्शन में फिल्में हैं जो हम कर रहे हैं. ओके, थैंक यू सो मच नीतू, आज आप हमारे साथ आई और रंगोली में आपको देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स पे. और कल सुबह मत भूलिएगा 8 बजे रंगोली बिल्कुल, हम सभी तैयार रहेंगे देखने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.